मुरादाबाद के पागबड़ा में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की क्षेत्रीय संगठन की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी ने की। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौहर इकबाल का कार्यक्रम आयोजन समिति द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। सोमवार को आयोजित राष्ट्रीय लोकदल की बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसीलिए अब युवाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली प्रत्येक लाभार्थी को निःशुल्क दी जाएगी और किसानों का गन्ना बकाया के साथ साथ किसानों को तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुख्य अतिथि गौहर इकबाल एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज के हालात किसी से छिपे नहीं है, लेकिन जनता ने प्रदेश में बदलाव की लहर पैदा की है। झूठ बोलने वाले अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में गठबंधन की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। देखिए, आज जो मीटिंग थी हमारी वो संगठन को लेके थी। जो संगठन है हमारा, जिसने काम किया, उनको बुलाया था, उनको हौसला अफजाई के लिए बुलाया गया था। सब लोग कुछ दिशा निर्देश दिए गए। ये तो बिल्कुल आप लोगों को लग रहा, पूरा प्रदेश कह रहा, पूरा देश और प्रदेश में गूंज है कि गठबंधन की सरकार बन रही। इसमें अब भी कुछ शक है मुझे, सरकार तो बनी रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने शब्दों में कहता हूँ कि भारत की झूठी पार्टी, जितने लोग हैं झूठ बोलने के अलावा वहाँ कोई काम नहीं। भाई भाजपा भारत की जात है झूठी, पीछे पार्टी इनका रियली भारत के झूठे लोग हैं। अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, या आज क्या महंगाई की क्या हालात है, देश क्या हालत हो रहा है, हत्याएँ कितनी हुई है, किसान कितने मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आज जनता और समाज आज उनको निकार बहाल करेगा, आज देखना क्या रिजल्ट आएंगे। कार्यक्रम के बाबत जब पूर्व विधायक जाहिद हुसैन अंसारी से बात की तब उन्होंने बताया कि आज उनके यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये अल्पसंख्यक मोर्चे की हुई थी, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आए थे जी, उनके सामने मतलब ये मीटिंग हुई थी पदाधिकारियों की तरफ जी जी। तो ये अब हमने यहाँ तय ये करा है कि अब जो सरकार आने वाली है हमारी, उसमें जो है हर आदमी का काम, जो दुखी हैं, जो सरकार से परेशान है, उन सभी लोगों के काम होंगे और बहुत शांतिपूर्वक जो गुंडागर्दी जो दादागिरी की चल रही है उसे सबको खत्म कर दिया। तो जनता से क्या कहना चाहोगे आने वाले दिनों के लिए? जनता निर्भीक होकर अब मतलब ये देखेगी कि भाई जो इन लोगों ने गुंडागर्दी करी है, जो बदमाशी करी है, जो बेटियों के साथ जुल्म करे हैं, जो पढ़ने वालों जो परेशान करा है बिना वजह में, वो सब किसी के पास कोई अत्याचार नहीं होगा और सबको इंसाफ नहीं।